हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी हम आइए पांच वर्ड देते हैं, उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक साथ देखते हैं, ताकि सिनोनिम्स पूछे जाए एंटोनिम्स आप को दिक्कत ना हो। इंग्लिश का वर्ड पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कोई भी परीक्षा पास करने के लिए इंग्लिश के वर्ड पावर में ही दिक्कत आती है, तो वर्ड पावर की हर जगह ज़रूरत होती है, बोलचाल के लैंग्वेज में भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं छांट कर लाया हूँ, ये वर्ड कहीं ना कहीं परीक्षा में ज़रूर आते हैं, वही वर्ड मैं लिया हूँ जो परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वर्ड है आज का कॉन्सुमेट। कॉन्सुमेट माने होता है पूर्ण या दक्ष। अब ट्रिक के साथ हम याद करेंगे ताकि भूलें ना, तो कॉन्सुमेट में ट्रिक क्या बनेगी हमारी, कॉन्सुमेट कॉन्सुमेट की ट्रिक होगी, कौन सी मैट बनाने में तुम कॉन्सुमेट हो। तो मैट मतलब चटाई होता है, बहुत प्रकार की मैट आती है, जान ही रहे हो। तो अब जैसे बिछाने वाली मैट होता है शादी विवाह में, फंक्शन में, या फिर वैसे बैठने वाली मैट। तो आप ट्रिक बनाइए, कॉन्सुमेट साउंड्स लाइक कौन सी मैट, कौन सी मैट बनाने में तुम कॉन्सुमेट हो, माने पूर्ण हो, दक्ष हो। तो इस तरह से आप बनाएंगे अपने आप वाक्य, तो आपको अर्थ भी पता रहेगा, सब कुछ भूलने के चांस नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस तरह से वाक्य बनाइए, इमेजिन करिए, सोचिए, तभी आपका वर्ड पावर लॉन्ग टाइम याद रहेगा और भूलेगा नहीं। तो कौन सी मैट बनाने में तुम कॉन्सुमेट हो, यानी पूर्ण हो, दक्ष हो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, परफेक्ट माने पूर्ण होता है, फिनिश्ड माने एकदम पूर्ण, ये फिनिश ईडी जुड़ जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो एडजेक्टिव काम करने लगता है। तो फिनिश्ड माने पूर्ण, कंप्लीट माने पूर्ण, एक्सीलेंट माने होता है वैसे तो सबसे बढ़िया हो, जो मतलब सबसे अच्छा हो, दक्ष हो, यानी कि एक्सीलेंट का मतलब होता है बढ़िया या दक्ष, एकदम दक्ष हो। मास्टरली माने क्या होता है, जिसकी आपको मास्टरी हो, मास्टरली मतलब मास्टर माने दक्ष होता है, तो मास्टरली उसी से एडजेक्टिव बना है, मतलब दक्ष होना, एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इम्परफेक्ट। परफेक्ट अब जो माने पूर्ण होता है, इम्परफेक्ट अपोजिट अपूर्ण हो, यानी दक्ष नहीं हो। मेडियोकर माने क्या होता है, एकदम साधारण निम्न श्रेणी का, यानी कि कोई भी दक्षता जिसके अंदर ना हो, मेडियोकर। क्लियर, तो मेडियोकर माने अपूर्ण या दक्षता ना होना, दक्ष ना होना। तो एवरेज माने क्या होता है, एवरेज माने औसत होता है वैसे तो, लेकिन एवरेज का अर्थ होता है अपूर्ण। जैसे कहते हैं ये एवरेज स्टूडेंट है, मतलब इसको ज़्यादा आता होता नहीं, सब सबकी कितना, सभी विद्यार्थियों कितना नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है, मतलब दक्ष नहीं है। ये इस तरह से ये भी इसका एंटोनिम्स हो जाता है। अगला वर्ड है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट माने होता है दूषित कर देना। तो ट्रिक क्या हमारी रहेगी कंटेमिनेट को याद करने की, ट्रिक बनाइए कि कंटेमिनेट कंट्री में जो है कोरोना वायरस ने कंट्री के वातावरण को क्या किया, कंटेमिनेट कर दिया है। कंट्री में, देश में इस समय कोरोना वायरस जो फैला है, तो हमारे वातावरण को क्या कर दिया, दूषित कर दिया है। तो इसी से आप ट्रिक बना लीजिए। जैसे प्रदूषण क्या होता है, वातावरण जिसमें हम सांस लेते हैं, प्रदूषण दूषित कर देता है, आप पढ़े हैं प्रदूषण के निबंध में, तो वैसे इसको भी बनाइए कंटेमिनेट। कंट्री में कोरोना वायरस ने क्या कर दिया, कंट्री को कंटेमिनेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से कंट्री में कोरोना वायरस ने वातावरण को कंटेमिनेट कर दिया है, यानी दूषित कर दिया है। तो तभी तो सब लोग नहीं जा पा रहे हैं वातावरण में घूमने, छुआ छूत से फैले। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, पोल्यूट माने क्या होता है, दूषित कर देना, पोल्यूट से पोल्यूशन बना है, प्रदूषण भी दूषित कर देता है वातावरण को, जिसमें हम हवा में सांस लेते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे प्रदूषण। तो डिफाइल माने वैसे तो जूठा करना होता है, जूठा करना, दूषित कर देना, एक ही चीज़ है। जैसे थाली को आप डिफाइल कर दिए, जूठा कर दिए, तो मतलब वो दूषित हो गया, बिना साफ किए अपने ही खाते हैं, तो इसको भी डिफाइल कहते हैं। तो पोल्यूट, डिफाइल, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, सॉरी। ठीक है, डिफाइल मतलब दूषित कर देना या जूठा कर देना, दोनों अर्थ होते हैं। इसका एंटोनिम्स एकदम पूछा जाएगा आपसे तो एकदम बताना पड़ेगा, प्योरीफाई। प्योरीफाई माने पवित्र कर देना, दूषित ना करना, नहीं एकदम पवित्र कर देना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो परीक्षा में आते हैं। अगला वर्ड है कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस माने होता है तिरस्कारपूर्ण। तिरस्कारपूर्ण याद कैसे होगा, कंटेम्पचुअस माने तिरस्कारपूर्ण। तो इसमें आप ट्रिक बनाइए, कंटेम्पचुअस कान से तुम सुन लोगे तो तुम भी कंटेम्पटुअस हो जाओगे, तिरस्कारपूर्ण हो जाएगा। मतलब जैसे कोई आदमी आपकी बुराई कर रहा है, घृणा कर रहा है आपसे, तो वो आपसी बुराई बतलाएगा, तिरस्कार मतलब घृणा, तो तिरस्कार आपकी कमी है बताएगा। तो आप भी अपने कान से सुन लोगे कि ये हमारा कितना बुराई बतला रहा है, हमारा कितना तिरस्कार हो रहा है, तो आप कान से भी तुम सुन लोगे तो कंटेम्पटुअस हो जाओगे। कंटेम्पटुअस माने तिरस्कारपूर्ण हो जाओगे, आप तो वही कह रहे हैं कि आप ट्रिक बनाइए, कंटेम्पटुअस में से ट्रिक बनाइए, कौन कंटेम्पटुअस साउंड्स लाइक कौन से तुम, कान से तुम सुन लोगे तो तुम कॉन्टेम्पचुअस हो जाओगे, यानी कि तिरस्कारपूर्ण हो जाओगे, तिरस्कारपूर्ण। अब इसका सिनोनिम्स क्या देते हैं, डिसडेनफुल। डिसडेन माने होता है घृणा का भाव रखना, तिरस्कार रखना किसी से, तो घृणापूर्ण या तिरस्कारपूर्ण एक ही है। तो हेटफुल माने भी होता है घृणापूर्ण, तो तिरस्कारपूर्ण हो जाओगे यानी घृणापूर्ण हो जाओगे, कान से तुम सुन लोगे तुम भी उससे कॉन्टेम्पचुअस हो जाओगे, यानी घृणापूर्ण हो जाओगे, तिरस्कारपूर्ण हो जाओगे।
तो तिरस्कारपूर्ण क्रियापूर्ण एक ही वर्ड है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रेस्पेक्टफुल। एंटोनिम्स इसका भी पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ा रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल माने सम्मानपूर्ण, यानी किसी से आप तिरस्कार नहीं कर रहे हो, घृणा नहीं कर रहे हो, तो यानी सम्मानपूर्ण हो। अगला वर्ड है कॉन्टेंसंस। कॉन्टेंसंस माने होता है विवादग्रस्त। विवादग्रस्त याद कैसे होगा, मेन बात यह है कॉन्टेंसंस। तो इसमें से आप ट्रिक बनाइए, कौन से ले लीजिए ट्रिक, कान से 10 बार सुनने के बाद मैं उससे कॉन्टेंसस हो गया हूँ, विवादग्रस्त हो गया हूँ। जैसे कोई आदमी फिर वही बात है उसी से रिलेटेड है, कान इसमें भी है तो कॉन्टेंसस और कॉन्टेंसस, तो उस मतलब घृणा का भावना है, इसमें क्या है विवाद झगड़े की भावना थोड़ा आ जाती है, तो उसे कॉन्टेंसस कहते हैं। तो कॉन्टेंस से ट्रिक बना लीजिए, कौन से 10 बार सुनने के बाद मैं उससे कॉन्टेंसस हो गया हूँ, मतलब घृणा मतलब विवादग्रस्त हो गया हूँ। कौन से 10 बार सुनने के बाद मैं उससे कॉन्टेंसस हो गया, विवादग्रस्त हो गया, नहीं कहते नहीं मेरा उससे विवाद चल रहा है, विवादग्रस्त कंडीशन है इस समय, क्योंकि कौन से 10 बार सुना कि वह मेरी बुराई कर रहा है, मेरी कमियाँ बता रहा है, लोगों से पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, तो कौन से 10 बार सुनने के बाद मैं उससे कॉन्टेंसस हो गया हूँ, मैंने विवादग्रस्त हो गया हूँ, उसकी मेरी कॉन्टेंसस कंडीशन हो गई है, विवादग्रस्त हो गए। तो सिनोनिम्स इसका क्या होगा, क्वारलसम। क्वारलसम माने होता है झगड़ालू, क्वारल में झगड़ा करना, तो झगड़ा झगड़ा से रिलेटेड जो बात रहेगी तो उसको क्वारलसम कहते हैं, झगड़ालू या विवादग्रस्त। देखिए है लिटिगियस, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको भी आप याद करें, लिटिगियस माने भी होता है, लिटिगियस माने विवादग्रस्त होता है, क्लियर। तो पग्नेसियस भी ये क्या होता है, झगड़ा झगड़ालू होता है, पग्नेसियस माने भी जो झगड़ा करने पर थोड़ा सा बोलते, झगड़ा करने पर उतारू जो पग्नेसियस आप उसको कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेलिकोस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेलिकोस में बेल रूट वर्ड है, तो ये झगड़ा से रिलेटेड वर्ड है, क्लियर। बेलिकोस कंट्री जैसे कुछ होते हैं झगड़ा करने वाले, बेलिकोस लोग होते हैं, झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं। तो क्वारलसम, लिटियस, पैग्नेसियस, बेलिकोस, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे वर्ड को याद कर लिए। इसमें ज़्यादा वर्ड इसलिए दिए क्योंकि सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। अग्रेसिव माने आक्रमणकारी होता, आक्रामक जो हो, यानी विवादग्रस्त हो, आक्रामक, जैसे थोड़ा सा बात करने पर वो झगड़े पुतार हो जाए, जैसे उसको भी कहते हैं। पेटुलेंट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेटुलेंट माने भी होता है विवादग्रस्त, जो झगड़ा करने पर उतार हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में आपको दो वर्ड याद करना, ओबली ओबलाइजिंग और मीक। ओबलाइज माने क्या होता है, एहसान, एहसान मानने वाला, जो आपका एहसान माने कोई झगड़ा विवाद ना करे। तो मीक माने होता है हम्बल, एकदम विनम्र, तो उसको हम कहते हैं दब किस्म का जो आदमी रहता है, तो कहने का मतलब वो विवाद नहीं करेगा। तो ओबलाइजिंग और मेक, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं कि जो विवाद ना करने वाले हैं। जो ओबलाइजिंग रहेगा मतलब एहसान मानने वाला, झगड़ा नहीं करेगा बल्कि आपको एहसान ही मानेगा, और मेक मतलब विनम्र रहेगा तो भी झगड़ा नहीं करेगा। अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है आज के लिए, कंट्रावीन। कंट्रावीन माने कानून या नियम तोड़ना या उल्लंघन करना। जैसे कोई भी कानून हो या नियम हो, उसको आप तोड़ रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको कंट्रावीन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए, आप कंट्री में वैन चलाओगे इस समय तो आप कंट्रावीन करोगे, यानी कानून का नियम तोड़ रहे हो, कानून को नियम को तोड़ रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि इस समय जान ही रहे हो कोरोना वायरस से देश में वैन चलाने की, गाड़ी चलाने के लिए रोक लगा दिया गया है, क्लियर। केवल सरकार जिसको अलाउ करेगी वही गाड़ियाँ चलेंगी, तो इसलिए आप क्या है आप चलाओगे तो कंट्रावीन, कंट्री में वैन, विन साउंड्स लाइक वैन, कंट्री में वैन चलाओगे तो आप कंट्रावीन कर रहे हो, यानी कि कानून या नियम को तोड़ रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या होगा, आपोज माने विरोध करना, विरोध कर रहे हो तो उल्लंघन कर रहे हो, एक ही बात है। कंट्राडिक्ट माने भी विरोध करना या उल्लंघन करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, असिस्ट। असिस्ट माने होता है सहायता करना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आ जाता है असिस्ट, बाकी तो हेल्प सपोर्ट ये सारे वर्ड भी इसके एंटोनिम्स ही हो जाएंगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी समझ सके, वर्ड पावर अपना बढ़ा सके, मेरे साथ बने रहें। प्रतिदिन मैं आपको वर्ड पावर की इस तरह से क्लास लाता रहूँगा, आपका वर्ड पावर बहुत मजबूत हो जाएगा, एक समय आएगा जब आप परीक्षा में कोई परीक्षा देंगे तो क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप। तो बने रहें मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।